रहेंगे आकर के, वो वेटरन ही रहने वाले हैं। बट इसी बीच टीम रेवनेंट वो कार्निवल गेमिंग के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। नियो यहाँ पे मौजूद थे जरूर, लेकिन उन्होंने वो शॉट्स मिस करे। एक्वानॉक वो उतरते ही एक डीबीएस का पटका देंगे, लेकिन पलटवार वो हमें अक्षत के द्वारा देखने को मिल जाएगा। सेंस से वो आगे जा रहे हैं, डैमेज बहुत ज्यादा, पंक उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। ये कार्निवल गेमिंग का इलाका है, द कार्निवल हैज बिगन और टीम रेवनेंट द पैक ऑफ वूल्स एक बार फिर से खराब प्रदर्शन। देखिए प्रॉब्लम ये भी है ना कि जहां वो जा रहे हैं वो एरिया भी जोन के अंदर नहीं है। फाइट तो वहां पे जरूर करेंगे, एक प्लेयर को और भी यहां पे डाउन किया जाएगा, बट उसके बाद भी जोन में जाना बाकी रहेगा। गॉब्लिन ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बाकी दो प्लेयर्स नॉक्ड हैं। चलिए रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू किया गया गॉब्लिन के द्वारा, बट अभी भी शॉट्स आ रहे, इतना आसान होगा नहीं। आई थिंक यहां से जीतना बहुत मुश्किल है इवन गॉब्लिन के लिए। स्मोक उन्होंने किया, पीछे से पुश जरूर आया, और ये क्या गॉब्लिन, उन्होंने प्लेयर को देखा, उनको समझाओ, सीधा नॉक करा उन्होंने। बट कार्निवल गेमिंग ने काफी बढ़िया जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम प्ले वो अभी तक करके दिखाया है। टीम फॉरएवर उनके चारों प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, और ये वो मुकाबला हो सकता है जो उनके लिए बड़ा हो पाए, लेकिन कार्निवल गेमिंग नाम की एक बड़ी चुनौती उनके सामने मौजूद। माफिया के ऊपर वो मोलोटोव जाएगा भी, देखना ये है कि डॉज वो किस प्रकार से करते हैं। फिलहाल के लिए न्यू उन्हें नॉक कर दिया गया। गॉब्लिन वो पीछे निकलना चाहते थे, पर ये खराब निर्णय, अगर वो फाइट लेते तो शायद अपने आप को भी बचा पाते और साथ ही साथ न्यू उनका भी रिवाइवल वहां पर किया जा सकता था। माफिया निको जो डाउन थे उनको भी समाप्त कर दिया गया ओमेगा, चार फिनिशेस के साथ। ये खिलाड़ी पर अपनी पोजीशनिंग वो दे बैठे, माफिया डैमेज दोनों तरफ पड़। सबसे अच्छी बात है कि दोनों खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं डाउन होने के बावजूद। पर चलिए इसी बीच की वो कंसिस्टेंट रन हमें देखने को मिल रहा है। ओमेगा एक बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल उन्होंने किया जरूर, बट ओमेगा क्या बेहतरीन वो स्प्रे ट्रांसफर हमें देखने को मिला। ये कार्निवल गेमिंग की ओमेगा की मैं बात कर रहा था, वो आगे जा रहे हैं, उनको पता है कि वल्नरेबल पोजीशन में अभी के लिए टीम फॉरएवर देखने को मिल रही है। वो ग्रेनेड क्या कनेक्शन बना सकता है वो भी देखने वाली एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी जरूर। बट इसी बीच वो जो रिवाइवल है वो एमजे के द्वारा दिया जाएगा। ओमेगा वो ओपन में गए, उनको स्पॉट करके डाउन किया जाएगा। अक्षत के द्वारा वो मोलोटोव हिट करेगा, ओवेस उनको भी टेक डाउन किया जाएगा, और कार्निवल गेमिंग वो अब चार्जिंग करते हुए नजर आएंगे। एमजे वो फ्रंट लाइन कमांडर का रोल अदा कर जरूर सकते हैं, बट अक्षत वो क्लच शॉट मोड में ऑलरेडी आ चुके। एमजे के हाथ में वो ग्रेनेड था, और वो ग्रेनेड कनेक्ट भी करेगा अक्षत को, और एमजे वो गॉब्लिन को भी डाउन करते हुए नजर आएंगे। ये एक खिलाड़ी पूरी कार्निवल गेमिंग पे भारी पड़ेगा, और पर कार्निवल गेमिंग ओमेगा उनके ऊपर भार बहुत है, क्योंकि पिछली बार टॉप फोर तक अपनी टीम को लेकर आए थे। चलिए इस बार टॉप फोर तक नहीं ला पाए, टीम गई है कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ियों के द्वारा। दो खिलाड़ी कहां पर उतरे थे, दो रुइंस के साइड पर जाते हुए नजर आए थे, और एकजुट होकर उन्होंने वो पानी का रास्ता क्रॉस कर लिया। हेल उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ उसी प्रकार का गेम दिखाएंगे, उन्होंने गाड़ी उठाई, वो आगे गए, पर उनके लिए वो सही हुआ नहीं। और इन सब के बीच में फाइट की शुरुआत तो हुई ही थी कहेंगे, पर अभी भी आप में, और उनको भी पता है कि हाँ फुटस्टेप्स नहीं देना है, और आसानी से आप फिनिशेस निकाल सकते हैं। मैनी देखना ये है कि क्या वो अक्षत को देख पाएंगे। जी हाँ, अक्षत उन्होंने तो गन ही हटा दी अपने हाथ से, और अक्षत वो मैनी के द्वारा पकड़े गए, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। और मैंने एक टर्म सुना था ई-स्पोर्ट्स प्लेयर को कहते हुए कि जब भी आप घर के अंदर जाओ आपके हाथ में वेपन तो होना ही चाहिए। देखिए टर्म्स थोड़ा हैरान हूं कि उनके हाथ में डीबीएस या शॉटगन नहीं है, उनके हाथ में ऑग है, और दोनों प्लेयर्स के इनफैक्ट हाथ में ऑग है। मैं बस ये देख रहा हूं कि अपनी गलतियों से उन्होंने सीख ली है, वो भी नो फुटस्टेप्स की तरफ बढ़ चले। और वहां पर आप रेक्सोन को देखिए, जो खिलाड़ी बहुत समय से वहां पर बैठा हुआ था, फाइनली वो बाहर निकला, उन्होंने अमेजिंग को समाप्त कर दिया। चले गए, एक रिस्की मूव उनकी तरफ से, क्या यूटिलिटीज हैं किसी के पास। जंप शॉट लिया यहाँ पे सुपरमैन की तरह, नीचे तो आए, डैमेज भी दिया, और ओमेगा ही टेक्स वन डाउन, नियो टेक्स अनदर। सिर्फ एक खिलाड़ी बचता हुआ पीएल डोमिनेटर्स का, बट क्या कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स, क्या वो पुश कर सकते हैं, अभी के लिए तो नहीं, होल्ड किया जा रहा है, मोलोटोव हाथ में जरूर ओमेगा के। हालांकि शायद अब वो ना रह पाए, पर वो जो खिलाड़ी आए ऊपर से, एक गलती हुई जरूर, पर मोलोटोव उन्होंने मोलोटोव किया, खुद को तो डाउन कराया ही कराया। क्योंकि सेवन शोर उनके पास, बाकी टीम्स ने क्या किया। सानोक के इस मुकाम समाप्त हो चुके हैं, इस ग्रुप के नजर डालते हैं कि